हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेमन स्लेयर इन्फिनिटी के सिलार के चैप्टर्स 140, 141 एंड 142 को। एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को अब तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, सो गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 140। तो जैसा कि आपको पता है कि मुजान सभी को इन्फिनिटी कैसल में स्पॉन करता है। तांजिरो कन्फ्यूज होता है क्योंकि वो उस जगह पे पहले कभी नहीं गया और लेफ्ट राइट देखते वो और कन्फ्यूज होता है। वो सोचता है कि ये जगह मुजान के ब्लड डीमन आर्ट से बना है एंड वो जल्द से जल्द मुजान को ढूंढने में लग जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इन्फिनिटी कैसल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको एक भी सर्फेस ऐसा नहीं दिखेगा कि वो नॉर्मल है, आप गिर भी सकते हो। ऐसे ही तांजिरो गिरने लगता है एंड तभी गियुआ के उसके हाथ को पकड़कर बचा लेता है। तभी कुछ डीमंस उन पर अटैक करने आते हैं बट दोनों वाटर ब्रीटिंग को यूज़ करके डीमंस को मारते हैं। गियु के टेक्निक्स को देखकर तांजिरो सोचता है कि गियु कितना अमेजिंग है, वो किसी के साथ अपने अटैक्स को मिलाकर यूज़ कर सकता है। तभी एक दूसरे जगह पर कुछ डीमंस इगुरो और मित्सुरी को अटैक करने आते हैं। इगुरो सर्पेंट ब्रीटिंग के फिफ्थ फॉर्म से डीमंस को मारता है। मित्सुरी इगुरो को देख के इम्प्रेस्ड हो जाती है। एक और जगह पे ग्योमे और मुइचिरो भी ऐसे डीमंस से लड़ रहे थे। वो सारे डीमंस एक लोअर मून के स्ट्रेंथ के बराबर ही थे। वो लोग अपने मास्टर के फाइनलिस्ट को याद करते हैं। मुइचिरो याद करता है कि कैसे मास्टर ने उसे एंकरेज करते हुए उसे बीमारी से बचाया था और उन्होंने सभी डीमन स्लेयर्स को ऐसे ही बचाया लाइक अ फादर। मुजान ने मुइचिरो के सिर्फ भाई को ही नहीं बल्कि सेकेंड फादर को भी मारा, इसीलिए वो मुजान को मारने को ठान लेता है। मीनवाइल सानेमी के जगह पे भी उसे कुछ डीमंस अटैक करते हैं। इनोसुके ऐसे नए जगह पे आके बहुत एक्साइटेडली उछल कूद कर रहा था। गेन्या कन्फ्यूज होता है कि ऐसी कौन सी जगह है। जेनित्सु किसी इंसान को महसूस करता है सो वो वहाँ जल्दी से जल्दी जाता है। शिनोबू को ब्लड की स्मेल आती है सो वो पासी के एक दरवाजे को खोलती है। रूम के अंदर कई सारे लड़कियों की लाशें और एक डीमन होता है एंड वो डीमन कोई और नहीं बल्कि अपर मुंटू दोमा होता है। वो शिनोबू को भी मारने को प्लान करता है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 141। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि शिनोबू की बड़ी बहन यानी कानाए मरते वक्त अपने लास्ट वर्ड्स में शिनोबू को डीमन स्लेयर्स छोड़ने कहती है। वो चाहती थी कि शिनोबू हमेशा खुश रहे और वो शिनोबू को लंबे उम्र तक जीने को कहती है और वो मर जाती है। शिनोबू रोते हुए कहती है कि वो कानाए को एवेंज करके ही रहेगी। सो वो पूछती है कि वो डीमन कौन है जिसने कानाए को मारा, बट कानाए तो मर ही चुकी थी। शिनोबू को पता था कि उस डीमन के माथे पर ब्लड स्टेन्स थे और आपको पता है कि ये ब्लड स्टेन वाला डीमन और कौन हो सकता है, ऑफकोर्स दोमा। दोमा खुद को शिनोबू को इंट्रोड्यूस करता है। शिनोबू को पता था कि दोमा हमेशा एक केयर फ्री स्माइल देता है एंड कामली बात करता है। तभी उन लाशों के बीच एक घायल लड़की शिनोबू को मदद के लिए पुकारती है। शिनोबू पलक चपकते ही बहुत स्पीड से उस लड़की को बचा लेती है। दोमा मिस रहता है। शिनोबू जानती थी कि दोमा शार्प फेंस को हथियार के तौर पर यूज़ करता है। अनफॉर्चुनेटली वो घायल लड़की दर्द के कारण मर जाती है। दोमा शिनोबू को वो बॉडी वही रख देने को कहता है ताकि वो बाद में उसे खा सके। दोमा कहता है कि वो एटर्नल पैराडाइज कल्ट का फाउंडर है, उसका काम है अपने फॉलोअर्स और ख़ुद को हैप्पी रखना। शिनोबू जान जाती है कि कानाए को मारने वाला दोमा ही है। शिनोबू गुस्से से कहती है कि वो लड़की चिल्ला रही थी। दोमा कहता है कि उसने तो उस लड़की को बचाया है क्योंकि उसे अब और कोई दर्द या सफरिंग नहीं होगा। दोमा ये भी कहता है कि सभी मरने से डरते हैं इसीलिए वो अपने फॉलोअर्स को खाता है ताकि वो सब उसके साथ हमेशा रह सके। शिनोबू गुस्सा होती है। दोमा पूछता है कि शिनोबू उनके पहले मुलाकात में इतनी हार्श क्यों बन रही है। वो रियलाइज़ करता है कि शिनोबू को कुछ बॉदर कर रहा था सो वो उसे सब कुछ बताने को कहता है। शिनोबू गुस्से से कहती है कि जो उसे बॉदर कर रही है इट्स बिकॉज दोमा ने उसकी बहन को मारा है। वो पूछती है कि क्या वो शिनोबू के हावड़ी को पहचान नहीं रहा है जो पहले कानाए पहना करती थी। दोमा को याद आता है कि कानाए क्यूट गर्ल थी एंड वो कानाए को पूरा खाना चाहता था बट सनराइज के कारण उसने मिस किया। तभी शिनोबू अचानक इंसेक्ट ब्रीटिंग से दोमा के एक आँख पर एक फाला घुसा देती है। दोमा ब्लड डीमन आर्ट से ठंडे हवाएं लाता है जो किसी के लंग्स को भी फ्रीज करने के लिए काफ़ी था।
दोमा कहता है कि शिनोबू की निशाना अच्छा था, बट एक डीमन सिर्फ गले काटने के बाद ही मरेगा। शिनोबू कहती है कि अगर वो दोमा को बीहेट ना भी कर पाए तो वो एटलीस्ट पॉइजन से मार ही सकती है। दोमा ये सुन के डर जाता है और दोमा भी पॉइजन को महसूस करने लगता है। दोमा कहता है कि उसने सक्सेसफुली पॉइजन को डिकम्पोज कर दिया। वो कहता है कि शिनोबू जब अपने स्वॉर्ड को चलाती है एक डिस्टिंक्टिव साउंड आता है, और शिनोबू पर हंसता है कि शिनोबू ने इतना मेहनत किया बट पॉइजन बेकार था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर 142। इस चैप्टर में मेनली हमें दोमा का बैक स्टोरी दिखाया जाता है। जब से वो छोटा था वो काइंड और क्लेवर था। वो सभी को हेल्प करता था और उन्हें हैप्पी बनाता था क्योंकि ये उसका मिशन था। उसकी आंखें रेनबो कलर की थी और बाल पेल ग्रे कलर के, जो इनोसेंस को दर्शाता है। इसीलिए सब लोग उसे स्पेशल मानते थे। उसके पेरेंट्स स्टूपिड थे कि उन्होंने एक रेडिकुलस पैराडाइज फेथ रिलीजन को बना दिया। वो उनके साथ हमेशा खेलता था। उसे सभी प्रे और पूजा करते थे जिससे वो ऑकवर्ड फील करता था। जब लोग उसे उन सब के लीडर बनने के लिए बैक करते थे वो रोया करता था, ये सोचते हुए कि पैराडाइज, गॉड्स, बुद्धास, ये सब सिर्फ फेरी टेल्स है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और ह्यूमंस मरने और सड़ने के लिए ही डिस्टाइन थे। इसीलिए वो उन सबको हैप्पी रखना चाहता था। शिनोबू के फिफ्थ अटैक से भी दोमा हंसता है कि ये बेकार है। शिनोबू की पॉइजन काम नहीं कर रहा था, प्लस दोमा वैसे भी बहुत स्ट्रांग था, आफ्टर ऑल वो अपर मून 2 है। दोमा कहता है कि उसके ब्लड डीमन आर्ट ने शिनोबू के लंग्स को फ्रीज कर डाला है। अगर शिनोबू अब सांस भी ले उसकी ब्लड फ्रीज होकर मिस्ट बन जाएगा, जो अब सांस लेना भी बहुत दिक्कत हो चुका है। शिनोबू ढेर सारे अटैक से पॉइजन को इंजेस्ट करने को प्लान करती है। वो इंसेनरेटिंग से अटैक करती है एंड इस बार वो थोड़ा फास्ट बन चुकी है। दोमा कहता है कि शायद शिनोबू ही वो एकमात्र हाशिरा है जो इतना फास्ट है, बट जैसे ही वो पीछे हटती है शिनोबू बहुत ब्लीड करती है, रियलाइज़ करते हुए कि वो भी दोमा से हिट हो चुकी है। दोमा ताने मारता है कि शिनोबू अपनी इमेंस स्पीड से दोमा को इजीली बिहेड कर सकती थी, लेकिन अपनी स्मॉल फ्रेम के कारण नहीं। वो देखती है कि उसकी हाथ छोटी हो चुकी है, बट वो सोचती है कि वो तो कभी ऊँची बनी ही नहीं। वो अफसोस करती है कि अगर वो थोड़ी ऊँची होती तो ईजिली एक अपर मून को मार पाती। कानाएं भी आराम से निपट लेती डिस्पाइट जस्ट थोड़ी ऊंची होने से ही। ग्योमे भी सभी डीमंस को आराम से मार सकता है। तभी कानाए की आत्मा खायल शिनोबू के आगे आ जाती है और उसे हार ना मानने के लिए कहती है और खड़ा होने के लिए कहती है। शिनोबू के हाथ पैर दुख रहे थे। वो कहती है कि अगर वो एक डीमन को डिफीट करने को डिसाइड करती है तो डिफीट करना ही होगा, वैसे ही अगर वो जीतने को डिसाइड करती है तो उसे जीतना ही होगा। और शिनोबू ने कानाए और कानाओ को प्रॉमिस किया था कि वो जीतेगी, वैसे ही कानाए की आत्मा उसे जीतने को मोटिवेट करके चली जाती है और शिनोबू भी खड़ा हो जाती है। दोमा एकदम हैरान होता है। शिनोबू ब्लड को कफ करती है। शिनोबू अचानक इंसेक्ट ब्रीटिंग से एकदम फास्टली अटैक करती है। दोमा भी अटैक करके उसकी हावड़ी को स्लाइस करता है। शिनोबू नीचे झुकती है और हवा में दोमा को उठा देती है और उसके गले से होके सीलिंग पर उसे अटैक करती है, और चैप्टर ख़त्म होता है। सो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था। अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट एपिसोड विल कम सून। सो टिल देन, बाय बाय।